हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग। तो मैं आज अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ। चाय देखिए, मेरी चाय बन रही है और इधर मैं दूध उबालूंगी। ये मेरा दूध अभी आया है। चाय इधर बनके तैयार है। चाय मैं छान लूंगी अपना। तो फ्रेंड, आप लोग भी चाय पी लीजिए। फ्रेंड, आज मैं आप लोगों के साथ अपना डिनर नहीं शेयर कर पाई। डिनर में मैंने क्या बनाया था, क्योंकि मुझे मार्केट जाना था सब्जी लेने के लिए, इसलिए मैं थोड़ी जल्दी ही मैंने अपना डिनर बना लिया। तो आप लोगों को शेयर नहीं। अब यहाँ पे मेरे को थोड़ी सी रोटी बनानी है, 3-4 पापा के लिए। उसी के लिए अभी मैं आटा लगा रही हूँ। तो फ्रेंड, मैं यहाँ पर रोटियाँ बना लेती हूँ। हेलो फ्रेंड, तो मैं अब जा रही हूँ, रात के बज रहे हैं अभी 9 और मैं जा रही हूँ अभी सब्जी लेने। तो मिलते हैं आपसे सब्जी लेने के बाद। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड, कल रात को मैं अपना वीडियो, मेरा रात का वीडियो ही अभी कंटिन्यू कर रही हूँ। और रात को मैं आप लोगों से कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि मैं मार्केट से बहुत लेट आई थी। आपको दिखाया ही था, मैंने सब्जी वगैरह लेकर आई थी। मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो चलिए, अपना वीडियो यहीं से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। आज अभी मैं बनाने जा रही हूँ पनीर चिल्ली, तो वो आपको मैं दिखाती हूँ, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो मैं अभी चाय नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अभी मेरे हस्बैंड नहीं जगे हैं सो के। जब वो जग जाएंगे तो फिर मैं चाय बनाऊँगी, तो हम दोनों एक साथ चाय पियेंगे। तो अभी मैं बाबू को जगाती हूँ, उसको मैं दूध दूँगी, क्योंकि उसको स्कूल जाना है। सबसे पहले उठते हैं, उसको दूध चाहिए। उसको दूध देने के बाद फिर मैं उसको ब्रश करवाऊँगी और फिर मैं इधर अपना किचन में अपना काम कंटिन्यू करती हूँ। पनीर चिल्ली बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए हमें कॉर्नफ्लोर, नमक, विनेगर, टोमेटो सॉस, केचप और सॉस हो चलेगा, सोया सॉस, चिल्ली सॉस, और ये काली मिर्च को मैंने पीस लिया, दरदरी पीसी हुई काली मिर्च। और इधर जो हमें सामान चाहिए वो हमें रखा पनीर, प्याज, शिमला मिर्च, अदरक, हरी मिर्च और लहसुन। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं पनीर चिल्ली। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच लिया है कॉर्नफ्लोर, और इसमें ये मिलाऊंगी मैं ये काली मिर्च पाउडर, इसमें मैंने मिला दिया है 1 चम्मच। देख सकते हैं आप, 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर मिला दिया है मैंने इसमें। इसको अच्छी तरह से मिलाने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूंगी। पानी डाल के इनका घोल तैयार कर लूँगी। बहुत ज़्यादा ना गाढ़ा ना ज़्यादा पतला होगा, बस ये पनीर की कोटिंग के लिए तैयार कर रही हूँ।
गोल काले मिर्च और कॉर्नफ्लोर का घोल बिल्कुल तैयार है। अब इसे हम पनीर की कोटिंग करके पनीर को हम पहले फ्राई कर फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैं तेल यूज़ कर रही हूँ, आप लोग रिफाइंड भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए मेरी कढ़ाई गर्म हो गई है, यहाँ पर हम इसमें मेरी कढ़ाई बिल्कुल गर्म है, मैं इसमें तेल डालूँगी। मैंने तेल डाल दिया है इसमें, आप देख सकते हैं। मैं ऐसे कोटिंग कोट करके इसको ऐसे इसमें लगा के पनीर को मैं फ्राई कर लूँगी। तो देखिए मेरा पनीर फ्राई करके बिल्कुल तैयार कर लिया मैंने। तो मेरा तेल यहाँ पे बिल्कुल गर्म हो चुका है, फिर से मैंने पनीर फ्राई करके तेल बंद कर दिया था फ्लेम। अब इसमें मैं डाल दूँ लहसुन, ये मैंने ऐड कर लिया अदरक भी और हरी मिर्च। मिर्च ज़्यादा लाल नहीं करूँगी क्योंकि इसमें कच्चा सा फ्लेवर आना चाहिए। तो मैं इसमें डालूँगी प्याज, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पनीर चिली में कोई भी चीज पूरी पकती नहीं है, चाहे प्याज हो चाहे शिमला मिर्च चाहे ग्रीन चिली हो, तभी इसका टेस्ट अच्छा लगता है। मैं प्याज को ज़्यादा नहीं भूनूंगी, एक दो मिनट तक पकाऊंगी प्याज को। फाइनली मेरा प्याज, अब देखिए यहाँ पे बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है प्याज, देख सकते हैं आप। तो मैं इसमें शिमला मिर्च ऐड कर दूँगी। तो मैंने शिमला मिर्च ऐड कर दिया, अब इसको भी दो मिनट तक पका लूँगी। मैं ऐड करूँगी नमक, नमक देखते डालेंगे क्योंकि चिली सॉस सोया और सोया सॉस सारे सॉस में नमक रहता है, इसलिए मैं नमक कम डालूंगी यहाँ पे। दिया है जब तक कि शिमला मिर्च मेरी सॉफ्ट हो जाएगी, तब तक मैं तैयारी करती हूँ मसाले की, जिसमें मैंने कोटिंग करके पनीर को फ्राई किया था। उसी में मैं 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर और ले लूँगी ग्रेवी के लिए, ज़्यादा कॉर्नफ्लोर नहीं लूँगी क्योंकि ज़्यादा ठीक ग्रेवी हो जाएगी तो अच्छी नहीं लगेगी। और इसको मैं पतला सा पेस्ट बना लूँगी पानी डाल के। 1 चम्मच ग्रीन चिल्ली सॉस, 1 चम्मच सोया सॉस लिया था मैंने, 1 चम्मच ग्रीन चिल्ली, 1 चम्मच लूँगी मैं विनेगर और टोमेटो केचप लूँगी मैं 2 चम्मच, क्योंकि इसमें ग्रीन चिल्ली ज़्यादा होती है, तीखा ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम इसको बैलेंस करने के लिए 2 चम्मच हम यहाँ पे लेते हैं टोमेटो केचप। अब सबको मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। ये बिल्कुल पक गई है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए इधर शिमला मिर्च और प्याज। अब बिल्कुल इसमें सारे जो मिक्सचर है वो मैं ऐसे डाल दूँगी। उसको भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी क्योंकि हमारी ग्रेवी चिली पनीर की हल्की सी जो ग्रेवी होती है वो कॉर्नफ्लोर से ही उसका टेस्ट आता है। देखिए मेरी कितनी अच्छी बिल्कुल गाढ़ी सी ग्रेवी बिल्कुल तैयार हो गई है यहाँ पे। मैंने इसको 2 मिनट तक पका लिया, इससे कॉर्नफ्लोर था जो उसका भी कच्चापन चला जाएगा। रेमोंड देखिए मैं इसके अंदर पनीर ऐड कर रही हूँ। देखिए मैंने पनीर ऐड कर दिया है, अब इसको हल्के हाथों से मैं अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर दूंगी सबको। और मेरी ये पनीर चिल्ली बिल्कुल बनकर तैयार है फ्रेंड, प्लीज़ आप लोग भी इसको ट्राई करिएगा, अच्छी बनती है, और मुझे भी बताइएगा कमेंट बॉक्स में। तब मेरे पनीर का फाइनल लुक देख सकते हैं।
कैसी बनी है मेरी पनीर, बिल्कुल टेस्टी यम्मी। देखिए तो फ्रेंड, मेरी सब्जी बन गई है। मैं यहाँ पर बना रही हूँ पराठा। तो यहाँ पे मैं अभी ज़्यादा पराठा तो नहीं बनाऊँगी, बस बाबू के लंच बॉक्स के लिए दो पराठा बनाऊँगी यहाँ पे। नहीं, अभी प्रेस करेंगे।